सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, मैं चुका हूं आप सभी के लिए BGMI की एक और नई ऑसम सी वीडियो लेके। एंड आज बड़े हुए हम एक इवेंट देखने वाले हैं जिसके अंदर आपको एक पैंट का स्किन मिलने वाला है, उसी के साथ एक परमानेंट पैराशूट का स्किन मिलने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री में। उसी के साथ गाइस यहां पे BGMI की साइट से एक सर्वे चलाया जा रहा है जिसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे एंड वहां पे आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। उसी के साथ यहां पे जो आप क्वेश्चंस के आंसर करोगे वो हेल्पफुल होंगे हम सभी के लिए एंड यहां पे गेम के लिए भी, बिकॉज उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आपको हैकर्स बैन करने, आपने गेम खेलना कम क्यों किया, आपको इवेंट में किस टाइप के रिवॉर्ड्स हैं, तो लाइक जिस टाइप से हमें गेम को कस्टमाइज करवाना है उस हिसाब से हम सर्वे में आंसर दे सकते हैं, तो उसको भी देखेंगे आगे। बट उससे पहले यहां पे हम इवेंट देख लेते हैं। तो यहां पे आपको पता होगा कल ये इवेंट आया था जिसके अंदर आपको यहां पे मिनी 14 का स्किन एंड एक आउटफिट बिल्कुल फ्री में मिल रहा था। एंड आज यहां पे एक और नया इवेंट आ चुका है जिसके अंदर आपको गाइस यहां पे कुछ मैचेस खेलने हैं। यहां पे आपको 50 आरपी पॉइंट एंड गाइस यहां पे एंड का स्किन एंड एक परमानेंट पैराशूट का स्किन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 5 मैच खेलने हैं वो ग्राउंड में, जहाँ पे आपको 50 आरपी मिल जाएगी पॉइंट्स, ठीक है। एंड उसी के साथ यहाँ पे आपके एक पैन का स्किन मिलेगा जो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक सही पैन का स्किन है जिस हिसाब से इस पर सर्कल दिया गया, ये और ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। एंड अंदर भी यहाँ पे इस पर लिखा हुआ है, तो ये आपको पैन का स्किन है बट ये टाइम लिमिटेड हमें मिलने वाला है। तो इसके लिए गाइस यहाँ पे हमें 10 मैचेस खेलेंगे हमारे ईवो ग्राउंड में। एंड उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो एक पैराशूट का स्किन है जिसके लिए हमें 20 मैचेस खेलने होंगे हमारे ईवो ग्राउंड में। एंड ये पैराशूट देख सकते हो सही यहाँ पे एक पैराशूट का स्किन हमें देखने के लिए मिल जाता है, बिकॉज ये जो सर्कल है ये जब ऊपर से लैंड होंगे तो यार ये दूर से यहाँ पे लाइक रिफ्लेक्ट होने वाला है, तो यार सही में अच्छा लगने वाला है, तो ये परमानेंट स्किन है तो अच्छा रहेगा। चलो कुछ तो अच्छा दे रहे हैं। उसी के साथ यहाँ पे बात करें एक आरपी में भी गाइस, यहाँ पे एक मिशन है जहाँ पे आप देखोगे तो आपको मैच खेलना है सर्वाइवल टिल डाउन में, 60 मिनट सर्वाइव करना है, ठीक है। एंड ये जो भी इवेंट आया ये भी यहाँ पे सेम ही है, तो मैं बता देता हूँ दोनों को आपको कैसे करना है। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा गाइस, यहाँ पे देखो सर्वाइवल टिल डाउन में 60 मिनट सर्वाइव एंड वहाँ पे ईवो ग्राउंड के मोड खेलना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप आओगे तो आपको ईवो ग्राउंड में यहाँ पे सर्वाइवल टिल डाउन मिल जाएगा, तो आप सर्वाइवल टिल डाउन खेलोगे तो 60 मिनट भी हो जाएंगे आपके पूरे। उसी के साथ जब आप ईवो ग्राउंड में यहाँ पे 20 मैचेस कंप्लीट करोगे, मतलब 20 टाइम यहाँ पे सर्वाइवल टिल डाउन खेल लोगे, तो आपको वो इवेंट भी पूरा हो जाएगा, आपको परमानेंट पैराशूट का स्किन भी मिल जाएगा। सो ये है गाइस इवेंट में बेसिकली जिसको आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो। और अभी चलते हैं गाइस यहाँ पे हम अपना सर्वे को कंप्लीट कर लेते हो। आप राइट साइड में देखोगे तो आपको एक सर्वे का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे आप देख सकते हो टेक सर्वे एंड यहाँ पे आप स्क्रॉल करके इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अभी यहाँ पे फटाफट से चलते हैं इस सर्वे को भी कंप्लीट कर लेते हैं एंड देखते हैं हमें क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले हम बता देते हैं मैं BGMI के रिगार्डिंग अपना फीडबैक दे रहा है, उसी के साथ यहाँ पे हमें एक सप्लाई क्रेडिट कूपन मिलेगा। तो सबसे पहले हमारे से हमारी एज पूछ ली जाती है, तो आप अपनी एज के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद पूछा जाएगा आप हमारी प्राइवेसी पॉलिसी, इसको एक्सेप्ट कर लेना। उसके बाद लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी आईडी मांगी जाएगी जहाँ पे आपको रिवॉर्ड सेंड किया जाएगा बेसिकली, तो अपनी आईडी यहाँ पे आप डाल सकते हो। एंड उसके बाद आपका यहाँ पे अकाउंट का गाइज यहाँ पे लेवल पूछा जाएगा, तो मेरा 72 है तो यहाँ पे मैं 71 से लेकर 80 तक सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद टायर गाइज यहाँ पे मेरा डायमंड है तो मैं डायमंड सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपका जो भी आप सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ मेल फीमेल आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसी के बाद यहाँ पे आपसे पूछी जाएगी आपकी पर मंथ की यहाँ पे पॉकेट मनी कितनी है। तो यार देखो मेरे को तो पॉकेट मनी मिलती नहीं है, तो मैं तो यहाँ पे लेस देन 100 करने वाला हूँ। एंड यार जितना कम रखेंगे उतना सही है, बिकॉज ये सोचेंगे हम लोग ज़्यादा अमीर हैं तो यहाँ पे यूसी की प्राइस बढ़ा भी सकते हैं, मतलब कम से कम रखते हैं। यार हमारे से यूसी खरीदी नहीं जाती, हमें 0 यूसी में चाहिए मतलब सामान, हमारी पॉकेट मनी भाई 0 है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो अपने हिसाब से। बाकी मैंने तो अपनी लेस देन 100 कर दिया। उसके बाद हमारे से पूछा जाएगा कि आपने गेम खेलना छोड़ दिया क्या, यहाँ पे आप बता सकते हो आपने छोड़ा या आप खेलते हो, तो यस मैंने छोड़ दिया, मैंने बहुत कम कर दिया यहाँ पे गेम खेलना। तो इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पे क्या रीज़न है जो आपने यहाँ पे गेम को यहाँ पे खेलना छोड़ दिया। सो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, मेरे डिवाइस में चलता है ये सब वो सब, बट मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया टू मैनी हैकर्स। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा इफ यू आर योर फ्रेंड प्लेइंग अगेन BGMI, सो क्या रीजन होगा बेसिकली जो हम यहाँ पे कमबैक करेंगे गेम के अंदर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रिमूव हैकर्स, अभी जैसे हैकर रिमूव हो जाएंगे यार मैं और मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे कमबैक कर लेंगे गेम में। सो एक्चुअली ये आपको पॉइंट वैल्यू लगता है तो आप भी ये लिख सकते हो, बाकी आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ पे पूछा गया इफ यू आर प्लेइंग BGMI अगेन प्लीज लेट, मतलब यहाँ पे बताना है हमें कि हमें क्या बेसिकली गेम में फाइंड आउट करना होगा अगर हम गेम को दोबारा खेलने आए तो हमें मतलब गेम के अंदर क्या चाहिए होगा। सो ये ऊपर वैसे जैसे सिमिलर ही है, यहाँ पे सीधी सी बात है हमें गेम में मतलब क्या चाहिए होगा कि बेसिकली हमें यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स या फ्री में रोल पास ये सब चीज़ें ऐसे मतलब इतने ज़्यादा भी वो नहीं करना है, मतलब एक लिमिटेड यार हमें क्या चाहिए होगा, हम यहाँ पे फेयर गेम प्ले चाहते हैं, अपने गेम प्ले इन्वायरमेंट चाहते हैं फेयर जिसमें हम विदाउट हैकर्स वगैरह खेल पाए। सो देखो यार हम मैंने वही लिख दिया यहाँ पे आप फेयर गेम प्ले दे दो बस हमें, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, हैकर्स वगैरह मत हो एंड वो बहुत रहेगा हमारे लिए। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये कर देते हैं, इसको करने के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट सेलेक्ट कर देते हैं। तो इसके बाद हमारे से पूछा जाता है जो सितंबर का अपडेट है वो मैं कितना ज़्यादा सेटिस्फाई लगा, तो यार मैंने लिख दिया न्यूट्रल, मतलब ठीक ठाक था, कुछ ज़्यादा खास अपडेट नहीं था। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ पे जो सितंबर का अपडेट है उसमें मैं क्या बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगा, तो बेसिकली यहाँ पे मेरे हिसाब से यार जितना भी फ्लोरामाइंस वाला मोड मुझे यहाँ पे सही लगा था तो मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज़ योर फेवरेट मोड और अपडेट, सो बेसिकली यहाँ पे आप बता सकते हो आपको क्या यहाँ पे सही लगता है गेम में खेलना एंड क्या आपका फेवरेट है। तो देखो मेरे हिसाब से मेरा अरीना TDM में वही खेलता हूँ मैक्सिमम जब भी खेलता हूँ, उसके अलावा यहाँ पे किसी भी मोड में यार
मजा बिल्कुल भी नहीं रहा है बिकॉज हैकर्स वगैरह इतने आ चुके हैं। एंड फिर पूछते हैं फ्लोरा माइंस खेलते तो ये सब खेलते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ पे फ्लोरा माइंस खेलने के लिए हमें मतलब क्या यहाँ पे ऐसी चीज़ें जो हमें कहती है कि वो फ्लोरा माइंस हम खेलें। सो एक्चुअली मेरे हिसाब से न्यू मोड है, हमें यहाँ पे न्यू न्यू चीज़ें देखने मिल जाती है, इसलिए हम खेल लेते हैं उस चीज़ को। अभी मैं तो यहाँ पे वही सिलेक्ट करने वाला हूँ, यहाँ पे हमें न्यू न्यू चीज़ें मिल जाती है बेसिकली। उसके बाद पूछे यार एआई मोड आप खेलते हो क्या? यस हम खेलते हैं यहाँ पे जो हमारा एआई मोड है। उसके बाद यहाँ पे पूछे हम क्यों यहाँ पे एआई मोड खेलते हैं, तो गाइस बेसिकली मुझे तो गाइस फन लगता है वो बिकॉज यहाँ पे बोर्ड्स को मार के बहुत सारे अपनी स्किल इंप्रूव कर पाते हैं। बाकी यहाँ पे मतलब ठीक ठाक मोड है वो। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया विच टाइप ऑफ इवेंट डू यू प्रीफर, तो यार देखो डिफिकल्ट इवेंट हो एंड यहाँ पे हमें अच्छे खासे रिवॉर्ड मिले, मतलब परमानेंट चीज़ें मिले, वो ज़्यादा बेस्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें बस दो किल करने हैं, एक घटिया सा टाइम लिमिटेड पैराशूट दे दो, उससे अच्छा यहाँ पे डिफिकल्ट मतलब इवेंट्स हो एंड डिफिकल्ट यहाँ पे रिवॉर्ड मिले। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया हमें यहाँ पे सितंबर में इवेंट्स कौन से ज़्यादा अच्छा लगा था, तो बेसिकली मेरे हिसाब से कोई भी इवेंट ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट यहाँ पे मैं गणेश चतुर्थी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके साथ यहाँ पे बाकी जितने सारे इवेंट्स हैं कुछ खास नहीं था, किसी में भी अच्छे खासे रिवॉर्ड्स नहीं मिले। यहाँ पे कितना टाइम हो चुका है यहाँ पे कोई गन स्किन मिले हुए परमानेंट, कोई अच्छी सी चीज़ यहाँ पे कोई अच्छी सी स्किन वगैरह, तो इसीलिए मतलब मेरे हिसाब से इवेंट्स कुछ खास नहीं है, मैं ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया आपको यहाँ पे लाइक व्हाट यू मोस्ट प्रेफर रिवॉर्ड्स आइटम यू कैन पिक, तो यहाँ पे मैं कोई भी दो रिवॉर्ड यहाँ पे पिक करने हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे हिसाब से भी क्रेट कूपन एंड यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्पेस गिफ्ट जो हमारी आरपी होती है, यही दो हैं। बिकॉज यार कुछ यहाँ पे दिया ही नहीं उन्होंने, वैसे मैं परमानेंट चीज़ें पसंद है बट यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे कुछ खास नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एंड यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे कि आप पार्टिसिपेट करते हो यहाँ पे इवेंट्स वगैरह में, तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया बिकॉज यार मैं बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ यहाँ पे इवेंट में। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे क्या रीज़न है बेसिकली जो हम पार्टिसिपेट नहीं करते, तो बेसिकली यार यहाँ पे कुछ खास मिलता ही नहीं हमें, तो हम कैसे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर ले, तो इस चीज़ का हम आंसर ये कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है हमारे से कि आप स्टूडेंट हो, तो नहीं भाई हम स्टूडेंट नहीं, आप स्टूडेंट हो आप स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हो गाइस। उसके बाद पूछा जाता है डू यू लॉग इन बीजीएमआई लेस फॉलोइंग द स्कूल ओपनिंग, सो बेसिकली जब हम स्टूडेंट ही नहीं है तो यार स्कूल ओपनिंग के टाइम पे हम कैसे गेम को कम ओपन करेंगे, सो बेसिकली आप सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप यहाँ पे स्कूल के टाइम गेम कम खेलते हो तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी हम तो यहाँ पे सेम एज बिफोर पे क्लिक करके आगे निकल जाते हैं। उसके बाद है हाउ ऑफ्टन डू यू वॉच क्रिकेट टूर्नामेंट्स, तो वो भी मैं तो यार बहुत कम वॉचिंग करना स्टार्ट कर दिया फिलहाल, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद पूछा गया यहाँ पे क्या आप यहाँ पे चाहते हो जो बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे बीजीएमआई रिसोल्व हो जाए, तो सीधी सी बात है यार यहाँ पे एक्शन अगेंस्ट चीटर्स। एंड उसके बाद यहाँ पे व्हाट डू यू थिंक अबाउट चीटर इन बीजीएमआई, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि यहाँ पे कभी कभी आपको चीटर मिलता है, आप चीटर के साथ खेल सकते हो, यहाँ पे मैंने कह रहा है इम्पॉसिबल है भाई चीटर के साथ खेलना। उसके बाद यहाँ पे आपको मतलब गेम आपको कैसा लगता है, तो यार मेरे हिसाब से लाइक यहाँ पे भाई हैवीली हैम्पर माय गेम प्ले बिकॉज बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे हार्ड चलता है, 12 GB रैम में भी यहाँ पे अटक जाता है कभी कभी। एंड हाउ सेटिस्फाई योर गेम प्ले विद द पिंग, पिंग यहाँ पे सही आता है बिल्कुल, एंड मेरा तो लेस देन 40 रहता है, तो यहाँ पे लेस देन 40 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे गेम का लॉगिन तो मेरा तो स्मूथ ही रहता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हैकर के ऊपर यार क्राफ्टन कैसे काम करिए, तो यार मैं तो वेरी अनसेटिस्फाई पे सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया यहाँ पे आप लेटेस्ट अब न्यूज़ वगैरह के लिए बीजीएमआई के रिगार्डिंग, तो आप क्या करते हो, मैं यहाँ पे यूट्यूब प्रेफर करता हूँ। उसी के साथ यहाँ पे आपने सब्सक्राइब एंड फॉलो कर रखा है, तो हाँ चलो मैंने तो फॉलो एंड सब्सक्राइब कर रखा है। अब यहाँ पे पूछा गया आप जो सोशल मीडिया है वो कैसे यूज़ करते हो बीजीएमआई का, तो लाइक मैं तो यार फन टूर्नामेंट के लिए ठीक है भाई, गेमिंग टिप्स एंड ट्रिक डालोगे तो हमारा कंटेंट कहाँ पे जाएगा, बिकॉज देखो यहाँ पे गेमिंग टिप्स एंड ट्रिक डालते हैं ये वीडियोज़ वगैरह डालते हैं, तो हम लोग क्या डालेंगे, तो फन एंड टूर्नामेंट रखो अपने चैनल पर और कुछ नहीं। एंड हमने सुना है कि बीजीएस जो होने वाला टूर्नामेंट, तो हाँ मैंने उसके बारे में सुना है। उसके बाद यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके साथ यहाँ पे आपको कौन सा मैच देखना है, इरेंगल हमें देखना है, उसमें कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे हमें मिक्सअप टीम चाहिए दोनों, एंड जो टूर्नामेंट्स वगैरह होंगे उसी के साथ यहाँ पे पूछा गया आपको यहाँ पे कौन यहाँ पे कास्टर चाहिए, तो ठीक है हमें ओशन चाहिए, तो ओशन सेलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे खत्म हो चुके गए हमारा रिव्यू सर्वे जो भी था, अभी यहाँ पे जो रिवॉर्ड्स है वो तो हमें मिल जाएगा। उसी के साथ यहाँ पे आपने जो भी बताया होगा उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ऑफिशियल साइड से स्टेप्स लिए जाएंगे एंड गेम को थोड़ा बहुत इंप्रूव किया जाएगा। बाकी आज वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बस आज वीडियो में यही था गाइस, होपफुली आपको अच्छा लगा, सो मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।